वाह क्या स्वाद है, वाह। तुम करोगे आ रेसिपी तो बाद, क्योंकि रेसिपी है बहुत ही ज्यादा नज़ारेदार। हुण पंजाब च ना एक जिला है पटियाला, वह हर चीज़ लई फेमस है। तुसी पग चक लो, पटियाला शाही पग, पटियाला शाही सूट फेमस ने। तो उहदे बाद जे असी फूड च आउने आ ते पटियाला दी एक डिश फेमस है जिहड़ी है पनीर पटियाला। शुरू करदे आ ते शुरू करन लई सब तो पहला आपां एक ग्रेवी का बेस बनावांगे। उहदे लई प्याज ते टमाटर स्लाइस कर लांगे, पर पैन दे नीचे अग ला लांगे ते पैन दे थल्ले अग लाने तो बाद उहदे च पावांगे घिओ। घिओ हुण देवांगे गरम ते उहदे च बाद च पावांगे मसाले। घिओ साडा गरम हो चुकिआ ते हुण इहदे च पावांगे मसाले। मसालिआं च पहलां जीरा, उसी के साथ 1 इंच दालचीनी, ये है लौंग, इलायची और काली मिर्च, ये डाल देंगे। इन सबको फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ होने देंगे, तब तक हम अपने अनियन और टमाटो स्लाइस कर लेते हैं। अब जैसे प्याज हमारे कट चुके हैं, प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद हल्का सा मिक्स, इनको पकने देंगे स्लो आंच पे, इनको कलर नहीं आने देना, हल्के हल्के इनके अंदर की ना कैरेमलाइजेशन शुरू करनी है, मतलब जो प्याज के अंदर चीनी है उसको एक्टिवेट करना है। तब तक हम अपने टमाटर भी काट लेंगे। टमाटर हमारे स्लाइस हो गए हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। लहसुन और अदरक, ये 4 कलियाँ लहसुन की हैं, और 1 इंच अदरक, उसी के साथ काजू डालेंगे रज़ाइयत के लिए। अब इनको एक मिक्स और इनको प्याज के साथ हल्का हल्का पकने देंगे। इस टाइम पे आप गैस तेज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपके काजू, लहसुन और अदरक घी में लटपट हो जाते हैं, उसमें डालेंगे हम टमाटर। अब टमाटर डालने के बाद हल्का सा मिक्स, मिक्स देने के बाद सॉल्ट और थोड़ा सा पानी। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ग्रेवी को ब्लेंड करने में हेल्प करेगा ये। और इसको पहले बॉयल आने देंगे, फिर ढक के पकाएंगे। और जब तक इसको बॉयल आ रहा है तब तक हम अपने जो पनीर की प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। वो स्टफिंग के लिए पहले एक बड़ा बाउल और उसमें पनीर करेंगे ग्रेट। आप चाहें तो पनीर क्रम्बल भी कर सकते हैं, बट उससे ना वो वेलवेटी टेक्सचर नहीं आता, इसीलिए हम पनीर ग्रेट कर रहे हैं। अब पनीर के साथ ही चीज़ ग्रेट करेंगे। वैसे तो चीज़ ऑप्शनल है, बट इससे क्या होता है ना, वो एक स्ट्रेचीनेस आ जाती है, वो एक पैलेट को बहुत ही सूदिंग फ्लेवर मिल जाता है। अब चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा प्याज, थोड़े से इंडियन फ्लेवर अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अगर आप चाहें तो धनिया पाउडर डाल सकते हैं, मैं डालूंगा, मुझे बहुत पसंद है धनिया पाउडर, इसलिए मैं धनिया पाउडर डालूंगा। एंड सॉल्ट, सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए सॉल्ट देख के डालें। अब ये सब डालने के बाद ना हाथ गंदे करने का टाइम आ गया, तो एक बार इसको मिक्स दे दें। जैसे ही आप इसको मिक्स देंगे ना, ये जुड़ने लग जाएगा, एक डोसा बना लेना आपने इसको। अब इसको मैं रखूंगा फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए और पनीर जुड़ जाए, चीज़ भी जुड़ जाए, फिर उसके बाद स्टफ़ करेंगे।
तो पनीर का मिक्स, पनीर की स्टफिंग हमने रख दी फ्रिज में ताकि वो जम जाए और हमारे ग्रेवी के बेस को भी बॉयल आने लग गया। अब इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी बिल्कुल नाम की, सिर्फ रंग उभारने के लिए, रंग बिगाड़ने के लिए नहीं, रंग उभारने के लिए, और रंग वाली लाल मिर्च। आप देगी ले सकते हैं, आप कश्मीरी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मसाले हो गए हैं, अब इनको एक मिक्स। अब ये मसाले भी साथ के साथ पक जाएंगे। आप मसाले स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं प्याज डालने के बाद, और रंग देखो क्या प्यारा पकड़ लिया इसने। अब इसको ढक देंगे और ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक, जब तक हमारे टमाटर और प्याज मैश ही नहीं हो जाते। तब तक इसको स्लो पे छोड़ देते हैं और अपनी स्टफिंग ठंडी होने का टाइम देखते हैं, वो ठंडी होगी, उसके बाद उसको स्टफ़ करेंगे और रोल्स बना के फ्राई करेंगे। तो हमारे ग्रेवी का बेस भी डन है। अब गैस करते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। अब हमने बनाने हैं रोल्स। तो रोल्स के लिए एक कपड़ा ले लें, ये रख लिया हमने कपड़ा और ये स्टफिंग पड़ी है। अब रोल्स बनाने हैं हमने पापड़ में, और कैसे बनाने हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये कपड़ा ले लो और उस पर पापड़ बिछा लो, उसके बाद एक ब्रश से पापड़ को हल्का सा वेट कर लो। एक साइड से करने के बाद पलट लें और दूसरी साइड से भी वेट कर लें। उसके बाद उसको हल्का सा पैट ड्राई कर लें, पूरा अच्छी तरह ड्राई नहीं करना, हल्का सा। जैसे हल्का सा पैट ड्राई हो जाए उसको पलट लें, उसके बाद स्टफिंग का थोड़ा सा पार्ट ले लें, स्टफिंग की पाइप सी बना लें और स्टफिंग रख लें। पापड़ को ऐसे रोल कर लें, इसको ऐसे करके फिर से पानी लगा के, पानी थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, पापड़ ड्राई होते हैं। तो ये रोल हमारे तैयार हो चुके हैं सारे के सारे, ग्रेवी ठंडी हो चुकी है। अभी इस टाइम पे हम ग्रेवी ये जार में डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। प्रॉपर फाइन पेस्ट की तरह ब्लेंड करना है आपने। ये ग्रेवी का बेस हमने निकाल लिया है और इसको करें ब्लेंड, बिल्कुल फाइन पेस्ट में ब्लेंड करना है। तो जी ग्रेवी का बेस तैयार है, और वाह क्या खुशबू है। तो अब इसको लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई, और कढ़ाई के नीचे आग जला लिया, और कढ़ाई में थोड़ा ऑयल, थोड़ा ऑयल आ गया एंड थोड़ा सा घी। ओके, ओ जो मेरे हाथ च होंगे ना थोड़ा ज़्यादा जाता ही नहीं, इनू गर्म होन देवे वो बाद लाने तड़का। तब तक हम अपने रोल फ्राई करने की भी तैयारी कर लेते हैं। तो रोल फ्राई करने के लिए फ्राई पैन के नीचे आग और उसमें ऑयल, और ऑयल इस टाइम पे जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा। अब रोल है मोटे तो उसको अच्छी तरह कुक करने के लिए, इवनली कुक करने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। एक घी मेल्ट हो रहा है, घी गर्म होएगा, उसके बाद बेस को लगाएंगे तड़का। जो ग्रेवी का बेस है ना आपने नॉर्मली नहीं डालना, आपने डालना है स्ट्रेन करके। घी गर्म हो गया, इसमें जाएगी लाल मिर्च। रंग वाली लाल मिर्च यूज़ करनी है आपने इस रेसिपी में खासकर। अगर आप रंग वाली लाल मिर्च नहीं यूज़ करेंगे तो वो रंग नहीं आएगा, वो वेलवेटी टेक्सचर भी नहीं आएगा। जैसे आपको लगे लाल मिर्च जलने लग रही है वैसे ही अपनी ग्रेवी का बेस डाल देंगे। अगर आप ये स्टेप अवॉइड करना चाहते हैं ना स्ट्रेन ना करने का, आप कर सकते हैं। अगर आपको बाइट पसंद है काजू की या टमाटर की या किसी भी चीज़ की, तो आप
स्ट्रेन करने वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं। ये देखो जी, हमने अच्छी तरह इसको स्ट्रेन कर लिया, ग्रेवी का बिल्कुल पार्ट नहीं छोड़ा इसमें। अब ग्रेवी डन है, ग्रेवी को एक मिक्स दे देते हैं और ग्रेवी की टेक्सचर देखो, ग्रेवी का आ रहा है ना वेलवेटी टेक्सचर। अब ग्रेवी को स्लो पे पकने देंगे और तब तक हम अपने रोल फ्राई कर लेते हैं। मीडियम हॉट ऑयल पे आपने ये फ्राई करने हैं आग। अब पापड़ को आपने क्रिस्प होने तक फ्राई करना है और ग्रेवी पे भी साथ के साथ ध्यान देते रहें। पापड़ एक साइड से हो जाए उसको पलट लें, बहुत ही आराम से पलटे, क्योंकि एक साइड से तो चलो पापड़ पक गया बट दूसरी साइड से तो कच्चा है ना, टूट सकता है, इसीलिए ध्यान ध्यान से सारा नाजुक हाथों से काम करना है हमने। ग्रेवी में भी हल्का हल्का बॉयल आ गया, इसमें और फ्लेवर्स डालते हैं। सबसे पहले थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी क्रीम, आपने ना इस टाइम पे दोनों तरफ ध्यान देना है। तो ये रोल हमारे हो चुके हैं, पनीर पटियाला के रोल। इनको हम एक अब्सॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। बाकी के रोल्स डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ग्रेवी भी डन है, तो अब ग्रेवी में लास्ट टच, दैट इज कस्तूरी मेथी। हाथ हथेली पे रखें, उसके बाद ऐसे रगड़ के फिर डालें। क्या होता है कि हथेली की गर्मी से कस्तूरी मेथी पक जाती है और एक मैच्योर्ड फ्लेवर देती है। अब कस्तूरी मेथी डालने के बाद एक मिक्स, और ग्रेवी के नीचे का गैस कर देंगे बंद। पापड़ फ्राई करेंगे और करते हैं प्लेटिंग। रोल सारे हो चुके हैं तो प्लेटिंग करते हैं। अभी इसमें सर्व करेंगे, तो पहले ग्रेवी, ग्रेवी डालने के बाद इसमें डालेंगे रोल। रोल ऐसे ही खड़े कर देंगे हम सारे। अब इसको गार्निश करेंगे क्रीम के साथ। तो ये डिश हमारी डन है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब मैंने आपको दो बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज दे दी, ये ट्राई करना तो बनता है। और ट्राई करोगे ना, आई एम 100% श्योर आप भी बोलोगे वाह क्या स्वाद। अब ये दोनों रेसिपीज ट्राई करो, तब तक के लिए अलविदा।